हेलो फ्रेंड, नीटिंग डिज़ाइन में देखिए, बहुत ही खूबसूरत मैंने बॉर्डर बनाया है। आप किसी भी स्वेटर पे, जैकेट पे, कार्डिगन पे, कहीं भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो आइए, आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस बॉर्डर डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और प्लस 1 कर दें तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। आप अपने मनपसंद कलर से बॉर्डर बनाइए फंदे और उसके बाद एक सिलाई सीधी, एक सिलाई उल्टी करिए। यहाँ हमने रेड कलर का बॉर्डर बना दिया है और बेस वाइट रखा है, तो इसी के ऊपर मैं डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो में सबसे पहले हमारा ग्रीन कलर आएगा, 1 हम ग्रीन से करेंगे और अब वाइट कलर से 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट। अब हम 1 ग्रीन 4 वाइट पूरी रो में रिपीट करेंगे। 1 हमें ग्रीन से करना है, 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट, 1 ग्रीन 1, 2, 3, 4 फंदे वाइट करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। और देखिए, 1 ग्रीन 4 वाइट करते हुए जब हम आएंगे तो लास्ट में 4 वाइट के बाद 1 हमारा ग्रीन रहेगा, क्योंकि हमने एक फंदे को एक्स्ट्रा लिया है। तो हर बार ध्यान रखना होगा, जिस कलर का हमारा पहला वाला फंदा रहेगा उसी कलर का हमारा लास्ट वाला भी रहेगा। ये हमारी रो 2 है और इसमें सबसे पहले 1 हम वाइट से करेंगे, 1 ग्रीन 1, 2 फंदे वाइट, 1, 2, 3 फंदे ग्रीन, 1, 2 वाइट, 1 ग्रीन और 1 हम वाइट से करेंगे। ये पहले वाला हमारा एक्स्ट्रा है, इसे छोड़ देंगे। अब हम 1 ग्रीन से लेकर 1 वाइट तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करते हैं। देखिए, 1 ग्रीन से हमें रिपीट करना है, तो सबसे पहले 1 हम ग्रीन करेंगे, 1, 2 वाइट, 1, 2, 3 फंदे ग्रीन, 1, 2 वाइट, 1 ग्रीन और 1 हमारा वाइट। तो इसी तरह से हमें फंदों को रिपीट करते हुए बनाना है। ये हमारी रो 3 है और इसमें सबसे पहले 1 हम ग्रीन से करेंगे, 1, 2 फंदे वाइट, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ग्रीन, 1, 2 फंदे वाइट और 1 हमारा ग्रीन। अब इस पहले ग्रीन को छोड़ कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा है, 2 वाइट से लेकर 1 ग्रीन तक, यहाँ तक हम डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करते हैं, 1, 2 फंदे ग्रीन, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रीन, 1, 2 वाइट और 1 हमारा ग्रीन। तो इसी तरह से हमें फंदों को रिपीट करते हुए बनाना है। ये हमारी रो 4 है और इसमें सबसे पहले वाइट आएगा, 1, 2 फंदे वाइट, 1 ग्रीन, 1, 2 वाइट, 1 ग्रीन, 1, 2 फंदे वाइट, 1 ग्रीन, 1, 2 फंदे वाइट के। तो ग्रीन के देखिए, 1, 2, 3 तीन बार एक एक फंदे ग्रीन के आए हैं। अब इस पहले वाले वाइट को छोड़ देंगे, 1 वाइट से लेकर 2 वाइट तक की डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करते हैं, 1 वाइट, 1 ग्रीन, 1, 2 फंदे वाइट, 1 ग्रीन, 1, 2 वाइट, 1 ग्रीन
वन, टू फंदे वाइट के। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करना है। ये हमारी रो फाइव है और इसमें वन हम वाइट से करेंगे, वन ग्रीन, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन ग्रीन, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन ग्रीन और वन हमारा वाइट। अब इस पहले वाइट को छोड़ देंगे, वन ग्रीन से लेकर वन वाइट तक की डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करते हैं, वन ग्रीन से हम रिपीट करेंगे, वन ग्रीन, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन ग्रीन, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन ग्रीन और वन हमारा वाइट। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। ये हमारी रो सिक्स है और इसमें देखें सबसे पहले हमारा ग्रीन आएगा, वन हम ग्रीन से करेंगे, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन, टू, थ्री फंदे ग्रीन, वन, टू, थ्री वाइट और वन हमारा ग्रीन। अब इस पहले ग्रीन को छोड़कर थ्री वाइट से लेकर वन ग्रीन तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करते हैं, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन, टू, थ्री फंदे ग्रीन, वन, टू, थ्री वाइट और वन हम ग्रीन से करेंगे। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। ये देखिए रो सिक्स तक हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से बन गई है। अब हम रो सेवन पे हैं और इसमें हमें वाइट फंदों को वाइट और ग्रीन की जगह अब हम रेड कलर से बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये पहले हमारा ग्रीन है तो इसे हम रेड करेंगे। तो वन हमारा रेड आ जाएगा, इस थ्री वाइट को हमें वाइट से करना है, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन, टू, थ्री फंदे रेड के, वन, टू, थ्री फंदे वाइट और वन हमारा रेड। अब हम इस पहले रेड को छोड़ देंगे, थ्री वाइट से लेकर वन रेड तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये हमारी रो एट है और इसमें इस रेड को वन रेड करेंगे, वाइट को वाइट से, वन, टू, थ्री वाइट को वाइट किया, वन रेड, वन वाइट, वन रेड, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन हमारा रेड। अब इस पहले रेड को छोड़ देंगे, थ्री वाइट से लेकर वन रेड तक की डिज़ाइन रिपीट करनी है। तो फिर रिपीट करते हैं, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन रेड, वन वाइट, वन रेड, वन, टू, थ्री वाइट और वन हमारा रेड। तो इसी तरह से हमें पूरी रो को बनाना है। ये हमारी रो नाइन है और इसमें भी इस रेड को रेड करेंगे, वन, टू, थ्री फंदे वाइट को वाइट किया, वन, टू, थ्री फंदे रेड, वन, टू, थ्री वाइट और वन हमारा रेड। अब इस पहले रेड को छोड़ देंगे, थ्री वाइट से लेकर वन रेड तक की डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करते हैं, वन, टू, थ्री फंदे वाइट, वन, टू, थ्री फंदे रेड, वन, टू, थ्री वाइट और वन हमारा रेड।
तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। ये हमारी रो 10 है और इसमें भी इस रेड को 1 हम रेड से करेंगे। 1 2 फंदे वाइट, 1 2 रेड, 1 वाइट, 1 2 फंदे रेड, 1 2 वाइट और 1 हमारा रेड। अब हम इस पहले रेड को छोड़ देंगे, 2 वाइट से लेकर 1 रेड तक की डिज़ाइन रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करके दिखाते हैं, 1 2 फंदे वाइट, 1 2 रेड, 1 वाइट, 1 2 रेड, 1 2 वाइट और 1 हमारा रेड। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। ये हमारी रो 11 है और इसमें भी इस रेड को 1 रेड करेंगे। 1 2 फंदे वाइट, 1 रेड, 1 2 3 फंदे वाइट, 1 रेड, 1 2 वाइट और 1 हमारा रेड। अब इस पहले वाले रेड को छोड़ देंगे, 2 वाइट से लेकर 1 रेड तक की डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। तो फिर रिपीट करते हैं, 1 2 फंदे वाइट, 1 रेड, 1 2 3 फंदे वाइट, 1 रेड, 1 2 वाइट और 1 हमारा रेड। तो इसी तरह से हमें फंदों को बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। ये देखिए 11 रो में हमारी ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गई है। इसके बाद हमने 2 सिलाई वाइट की है और ऊपर का स्वेटर अब हम रेड कलर से बनाएंगे। इसी डिज़ाइन को आप वाइट बेस पे बनाते हुए पूरा स्वेटर वाइट कलर से भी बना सकते हैं। आपके पसंद के हिसाब से कलर को लगाते हुए डिज़ाइन को बनाइए। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।